कुछ अच्छी बातें अचानक हो जाती हैं। डॉक्टर इफ़त फरीदी ने एक दिन मुझसे कहा कि मुझे आपकी ज़िंदगी पे किताब लिखनी है। मैंने कहा भाई मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जिसके बारे में आप कुछ लिखेंगे? कहती नहीं, आपकी ज़िंदगी बड़ी अलग तरह की है। तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी गाता जाए बंजारा, और आज से लगभग 4 बरस पहले की बात है ये, और ये अमेज़न पे मौजूद है आज भी 4 बरस बाद। ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इससे जितना पैसा आया वो सारे का सारा स्लम ड्वेलर किड्स को, यानी झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को जिन्हें बहुत ज़रूरत थी पैसे की, ये सारा पैसा उन तक पहुँचा दिया गया है, और अभी भी पुस्तक अमेज़न पे मौजूद है। तो गाता जाए बंजारा, मुझे लगता है कि अपने से बाहर निकल करके जब हम थोड़ा ज़िंदगी को जीते हैं तो जीने का मज़ा ज़्यादा आता है। वो बच्चे हमें दुआएँ करते हैं, हम उनके लिए दुआएँ करते हैं, और गाता जाए बंजारा तो गाता जाए बंजारा। लेकिन शायद जीना इसी का नाम है। शायद क्यों भाई, जीना इसी का नाम है। थोड़ा बाहर निकलो, दुनिया के लिए कुछ करो, आगे बढ़ जाओ, दुआएं लो और दुआएं दो। व्हाट एल्स डज वन नीड। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। वजह पता क्या है? हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और हम भारतीयों की ज़िंदगी में जो सबसे अहम है वो है हिंदी सिनेमा। हिंदी सिनेमा भी 50s और 60s का जब याद करता हूँ तो बहुत कुछ याद आता है, वो कलाकार याद आते हैं, और मेरा भारत महान यकीनन यकीनन। ओके हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं शम्मी कपूर की। थोड़ा सा मेरे मन में ये बात रहती है कि शम्मी कपूर के साथ हम लोगों ने इंसाफ नहीं किया। जिस ज़माने में 18 फिल्म उनकी नहीं चली तब भी मेहनत करते रहे, और उसके बाद जब उनकी फिल्म चली तो हम कहते थे यार ये ठीक है, एंटरटेनर तो है लेकिन एक्टर अच्छा नहीं। और जब ब्रह्मचारी में फिल्म फेयर अवार्ड मिला तब लोगों ने माना यार एक्टर भी कमाल है शम्मी कपूर। तो शम्मी कपूर के लिए जो हमारे मन में बात आती है वो यही है कि वो एक्टर रिदम ओरिएंटेड है। उसकी रिदम देखिए, उसके पूरे शरीर में एक ताल है, एक धुन है। इसलिए मैं आजकल शम्मी कपूर के बारे में ज़्यादा बोलता हूँ क्योंकि 14 अगस्त उनकी पुण्यतिथि है, और 14 अगस्त तक पहुँचते पहुँचते मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ और कहता रहूँगा। और ऐसे ही होता है ज़िंदगी के अंदर, आप जानते भी हैं इस बात को कि समय होता है हर चीज़ का, हर चीज़ का समय होता है। जब समय आ जाता है तो उसकी कदर हो जाती है। अब हमारे दिल में शम्मी कपूर साहब की बेहद कदर है, और उनकी पुण्यतिथि आने वाली है, मतलब आ गई 14 अगस्त, और हम उन्हें याद करते हैं। फूलों की अंजुमन है, और याद आते हुए उस दौर के कुछ कलाकार। अद्भुत कलाकार। महीना अगस्त का मध्य आ गया है लगभग, अगस्त का। कुछ कलाकार जो इस दौर में महसूस हुए उनका जिक्र कर रहा हूं। दिलकश है। उदासी के गीतों पर भी शम्मी कपूर की अदाकारी बेहतरीन ही होती थी। ए दिल अब कहीं न जा, ना किसी का मैं ना कोई मेरा। एक फिल्म थी ब्लफ मास्टर, और उसमें 3 प्लेबैक सिंगर्स ने रफ़ी साहब के लिए गाया, मुकेश साहब, हेमंदा और मुकेश साहब, रफ़ी साहब और हेमंदा, 3 कलाकारों ने शम्मी कपूर साथ दिया। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है, बोलिए न बोलिए सब सुना सुना सा है। शम्मी साहब, और ऐसे मनाजिर में आकर के शम्मी साहब को याद करना, और ये सुरीले परिंदे भी आ गए भाई। वो कहते रहे शम्मी कपूर साहब की बात कर रहे हो, आ रहे हैं हम भी, और सुरीले परिंदे भी आ गए। बहुत सी बातें उनकी ज़िंदगी के बारे में मुझे लेख टंडन जी बताया करते थे। लोनावाला में मुलाकात होती थी लेख टंडन जी से,
और शमी कपूर साहब के बहुत अच्छे और गहरे दोस्त थे और फिल्म इंडस्ट्री की बातें इधर उधर से मालूम होती थी। और एक दौर याद आता है 50s और 60s का हिंदी सिनेमा। भाई कमाल है, देखो हरियाली भी है, रास्ता भी है, खुशी भी है, खुशहाली भी है, बादल भी है, हवा भी है और ज़िंदगी को खुशी से जीने की ख्वाहिश भी है। इतना सब कुछ जब इंसान के पास में है तो और एक जीवन में चाहिए क्या। अगस्त के महीने में कलाकारों का जिक्र मैं लगातार करता रहा, लेकिन अब जो है पहला हिस्सा निकल गया, आइए दूसरे हिस्से के बारे में बात करें। दूसरे हिस्से का मतलब वो हिस्सा जिसमें बड़े चुनिंदा कलाकार हैं। मैं एक हिस्सा आपको इस जगह का क्यों ना दिखा दूं, ये देखिए कितना खूबसूरत है, दिलकश है। उधर पहाड़ है, पहाड़ नहीं है वो टीला है, और कितने पुराने पेड़ होंगे सोच के देखिए, कितने पुराने, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। और अगस्त के मध्य में लगभग आ रहे हैं हम और उन लोगों को याद करके, भाई मैं हम तो नहीं कह सकता, मैं तो गा रहा हूँ क्योंकि गाने के अलावा मुझे कुछ आता नहीं, और वो कलाकार चाहे कोई भी हैं। अभी पहले 5 तक याद किया, 1 अगस्त से 5 तक, अब इससे आगे करते हैं। मासूम चेहरा ये कातिल लदाए के बेमौत मारे गए हम बेचारे। शंकर जय किशन तो खास तौर से शमी कपूर साहब के लिए ऐसा रस भर देते थे अपनी धुनों में कि उन धुनों को अगर हम याद करें तो आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। शमी कपूर पूरी ज़िंदगी जीने के बाद आखिर में बहुत ही रिलीजियस हो गए थे और एक गुरु को भी उन्होंने धार लिया था वृंदावन में, और इस तरह से जीवन के हर रूप को शमी कपूर साहब ने जिया। याद आते हैं ऐसे कलर, कहाँ से सफ़र शुरू होता है, कहाँ तक हो जाते हैं, ये कमाल है। एक घटना मुझे लेख टंडन जी सुनाया करते थे, वो कहते थे कि जब ये गीत बन के तैयार हुआ आवाज़ देके हमें तुम बुलाओ, तो उसमें एक बात ये रही कि पहला जो मुखड़ा है वो गाया लता जी ने, उसके बाद अंतरा भी लता जी ने गाया और शमी नाराज़ हो गए। शमी कहने लगे मैं कहाँ हूँ, उन्होंने कहा तुम आओगे दूसरे अंतरे में, और ये नाराज़गी बढ़ती गई, राज कपूर तक पहुँची और राज कपूर ने कहा जो लेख कह रहे हैं करो, वही हुआ। और जब फिल्म का प्रीमियर हुआ तो प्रीमियर के वक्त में जैसे ही रफ़ी साहब आते हैं, मैं सांसों के हर तार में चुप रहा हूँ, बस तालियां बज गई हॉल में। प्रीमियर में आए हुए थे देवानंद, महमूद, आर डी बर्मन, सब ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और कहा लेख जी ने शमी क्या कहा था। शमी ने गले लगा लिया लेख टंडन जी को। ये वाकया मुझे लेख टंडन जी ने खुद सुनाया था मेरे मित्र कमलजीत और अनुराधा पटेल जी के आशियाने पे, लोनावाला में हमारी मुलाकात हुआ करती थी लेख टंडन जी से। पूरी ज़िंदगी जीकर गए, बहुत बेहतरीन फिल्म बना के गए और शमी तो उनके बहुत ही करीबी और पसंदीदा कलाकार थे। खाना मैंने यहाँ आकर खाया, मैं खेत के बारे में बात कर रहा हूँ, खेत रेस्टोरेंट के बारे में, और सामने मनदीप सिंह जी हैं जो इंदौर से आए हैं और ऐसा बढ़िया खाना इन्होंने बनवा के दिया और इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन इनका है। तो बेंगलोर वासियों, बेंगलुरु हन्नूर रोड पे 4 किलोमीटर, मतलब वहाँ से हमारे कोतनूर से, अभी मैं आपको और एड्रेस दूंगा भाई, आप आना ज़रूर। क्यों मनदीप जी, बहुत अच्छा खाना, ऑथेंटिक पंजाबी खाना, ऑथेंटिक पंजाबी खाना मिलेगा, एक बार आएंगे आप बार बार आएंगे, मैं बार बार। और सबसे बढ़िया बात है कि फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, इतनी जगह बेंगलोर में, ओ भाई मैं तो सोच भी नहीं सकता,
इतनी जगह बेंगलोर में फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड कभी पढ़ते थे टॉमस हार्डी का, यहाँ तो मज़ा आ गया और अरसे तक ये इलाका इतना ही साफ सुथरा रहेगा। टीम बहुत अच्छी है, मैं दुआ करता हूँ जी, बहुत सारी दुआ है और मैं हमेशा एक काम किया करता हूँ कि नौजवानों के भले के लिए, उनकी तरक्की के लिए मैं कलम भेंट करा करता हूँ, ये कलम आपके लिए। पंदीप जी आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, दुआएं। ये रिव्यू आपका जा रहा है गूगल पे और मेरी तस्वीरें खींची हुई जो है वहाँ बड़ी पसंद की जाती हैं, 10,25,000 लोग मेरी तस्वीरें देख चुके हैं और मैं गूगल से कोई पैसा नहीं लेता, ये बिल्कुल प्रोफेशनल काम नहीं है, क्योंकि मैं रिटायर्ड प्रोफेसर, धुली पहुंची पेंशन आती है उससे मेरा काम चलता है। ये नौजवानों को देखिए ना कि कितने अच्छे ढंग से ही लोग सर्व करते हैं भाई, बहुत। तो भाई मैं तो घूमता फिरता रहता हूँ, कॉलेज से रिटायर हुए भी 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, तो जगह नई नई हो तो मैं उन जगहों पर पहुँच के उनको देखता हूँ, महसूस करता हूँ और अगर वो अच्छी जगहें हैं तो फिर मैं उनको प्रमोट करता हूँ। भाई गूगल पे मेरे जो व्यूज़ हैं वो 10 लाख पार कर गए, यानी जो मैं रिव्यू करता हूँ या जो फोटो गूगल लेता है मुझसे 10 लाख पार हो गए। इसका मतलब जहाँ भी जाता हूँ अच्छा देख के अच्छा बोलता हूँ। आज मैं निकला तो देखा ये न्यू एयरपोर्ट रोड पे, यानी हन्नूर बंगलुरू रोड पे नया ढाबा खुला है भाई, उसका नाम है खेत। खेत तो खेत से जाहिर हुआ या तो ये पंजाब का है, उत्तर भारत में तो नहीं, ये पंजाब का जो टच है इसके अंदर वो बड़ा कमाल का है। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अभी खाना आने में देरी है, जब खाना आएगा तो उसको जिक्र करूँगा और इस ढाबे का रिव्यू मैं भेजूँगा गूगल को। और मुझे लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ, जरा माइन्यूटली मैं इसको देखूँगा। एक बड़ी अच्छी बात जिन्होंने की है वो दिखा दो, ये बहुत अच्छा है, ये नीचे जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। ये बहुत अच्छा काम किया ने, मुझे नाम बोला सुराज, मैं करता हूँ बाकी मैं बना लूँगा, थैंक यू। ये देखो सुराज, तुम भी आ जाओ इसमें सुराज। ओके ओके ओके, ये अच्छा लग रहा है मुझे, फुल मिला के स्कूल गोइंग, एम्बियंस अच्छा है और भीड़ भड़का भी ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। शहर से बाहर जाके है सचमुच फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, जिसे आम भाषा में हम कह सकते हैं, ये खेत ही है, एक खेत के अंदर ही बना हुआ ढाबा, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें। और अभी खाने की तरफ जाने वाला हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है। ये जो इनके अपने कुछ कंसेप्ट होते हैं वो बड़े अच्छे 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 होते हैं और मैं उनकी तरफ अब धीरे धीरे। अब देखो संगीत भी पंजाबी लगा रखा है और ये मंडप भी अच्छा सजा रखा है कि भाई आपका मन करे। देखो ये सचमुच खेतों में जाके है, अपने मुझे उत्तर भारत के खेत याद आ गए यहाँ पर। ये किसी पंजाब की पार्टी का है और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मैं चाह रहा था कि कोई ऐसा अलग से जाके फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एक जगह बन जाए, वो बन गई। मेरे घर से ये एग्जैक्टली 4 किलोमीटर है, ये हन्नूर बंगलुरू रोड पे है और इसका नाम है खेत। सबक तो दुनिया में कहीं से भी मिल जाता है। इस पेड़ को देखिए, इसमें 2 तरह के फूल आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। इसके लिए शब्द है को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व। तो हमारे जो फिल्म के कलाकार उस दौर के थे वो भी आपस में मिलजुल के ही रहते थे और उनमें सबसे ज़्यादा जो कलाकार को पसंद किया जाता था, प्यार किया जाता था, वो शमी कपूर थे। हंसते खिलखिलाते हिलते डुलते सीधे तो खड़े होते ही नहीं थे कभी शमी कपूर, इसलिए सभी लोग उन्हें प्यार प्यार करते थे। और उनके गीतों पे जो अदायगी होती थी शमी कपूर साहब की, जो रफ़ी साहब के लिए ख़ास तौर पर, वो तो कमाल है, कुछ और बातें भी किए लेते हैं शमी कपूर साहब के लिए। ये कमाल प्रकृति का है, एक तरफ इतने सारे खिले हुए फूल दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ ये कुछ अद्भुत सी वस्तु दिखाई दे रही है। अब इन्हें फूल कहूँ या क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा, लेकिन देखिए कितने सिंक्रोनाइज्ड हैं, इत्मीनान से बैठे हैं, इत्मीनान से। ओके, तो आजकल मैं बात कर रहा हूँ शमी कपूर साहब की। लीजिए मैं कुछ बातें शमी साहब के बारे में आपको बता दूँ। भाई कश्मीर की कली 1964 में फिल्म आई, मतलब तैयार हो गई और उसमें चंद्र डिगोटी की पहली फिल्म है, हिंदी फिल्म। तो शमी कपूर जानते थे कि ओ पी नैयर साहब कमाल कर रहे थे और उन्होंने जम के उसमें
कमाल के गाने बनाए ओपी सर ने। एक गाना बनाया तारीफ करूं क्या उसकी, ये टिपिकल शमी कपूर सॉन्ग था और कश्मीर में डल लेक में ये पिछले। तो कहीं ऐसा लगा शमी कपूर को कि ये जो आखिर में जब गाने को ख़त्म करना है तो इसे एकदम ख़त्म नहीं करना चाहिए कि तारीफ करूं और ख़त्म, ना। वो कह रही इसे 5 या 6 बार तारीफ करूं। ओपी नैयर सर तो बड़े प्योरिस्ट थे, कहने लगे नहीं 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 शमी इसका कोई मतलब नहीं यार, है क्या मतलब ये करूं करूं करूं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब से बात की शमी कपूर ने, उन्होंने दोनों ने मिलके ओपी नैयर साहब से कहा यार ट्राई करने में क्या हर जगह वो की फ़र्क पैदा यार, ट्राई कर दिया हो गया ठीक लगे थे निदा चढ़ दी। और रफ़ी साहब ने उन 6 बार को अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीके से किया, तारीफ करूं क्या उसकी, करते करते और शमी उसके बाद झील में गिरते हैं। भाई ये कमाल शमी कपूर का था, वो तो हमेशा ही कहते थे कि मोहम्मद रफ़ी साहब और कश्मीरी है जिसकी वजह से मैं बचाऊं। इवनिंग इन पेरिस, हेलीकॉप्टर से गाने को पिक्चराइज होना है, उसमें बैठे हुए हैं वो डर रहे थे, इतने में उन्हें क्या लगा कि यार शूट तो करना पड़ेगा, पास में देखा एक छोटा सा बार है वहाँ पे कॉनियक रखी है, उठाई 2 कॉनियक मुँह में डाली और चढ़ गए हेलीकॉप्टर। आसमान से आया फरिश्ता, भाई यूनिक इंसान शमी कपूर, यूनिक इंसान, मेहनत की थी और मेहनत का फल उन्हें बहुत मिला। और आज मैं शमी कपूर साहब की इसलिए बहुत कदर करता हूँ, बेटी ने कहा पापा जन्मदिन का तोहफा क्या दे रहे हो, शमी का बोलो जो चाहिए, पापा पीना बंद कर। फिल्म इंडस्ट्री में कमी लोग ऐसे हैं जो छाछ और लस्सी पी करके गुजारा करते हैं, ज़्यादातर लोग पीते ही हैं। शमी कपूर ने छोड़ दिया, मेरी बेटी ने कहा है नहीं। आखिरी दिनों में तसव्वुफ़ की दुनिया में चले गए थे और वृंदावन में गुरु धार लिए थे। 31 जुलाई 1980 को जब मोहम्मद रफ़ी साहब की खबर मिली रात को, मेरे ख्याल से 1 अगस्त की सुबह मिली होगी खबर, रिक्शा में जा रहे थे और किसी ने पीछे से शमी साहब आपकी तो आवाज़ चली गई। मेरी आवाज़ चली कैसे चली गई भाई, मैं तो बोल रहा हूँ। अरे साहब रफ़ी साहब ने मुझसे, और इतना दुख हुआ शमी कपूर को। मैं उस कलाकार को धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उसकी ज़िंदगी से जुड़े जितने किस्से और हिस्से हैं उन्हें महसूस कर रहा हूँ, उनके गानों को याद कर रहा हूँ। बार बार वही कहता हूँ, यूं तो हमने लाख एक्टर देखे हैं, शमी साहब नहीं देखा। और शमी कपूर की बॉडी में एक रिदम थी, उनकी ताल, उनकी धुन और गाने जो तीसरी मंजिल के लिए उन्होंने किए, अच्छा मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ ये जो स्पॉन्टेनियस जेस्चर्स हैं ये शमी कपूर के अलावा कोई कर नहीं सकता। तो आज फिर उन्हें याद किए देता हूँ और ये आ रहा है, बस समझ लीजिए आ गया, समझ लीजिए 14 अगस्त उनकी पुण्यतिथि। 80 की तरफ जाते जाते दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन खुश मिजाज इंसान थे। याद ये जो जिंदगी दिख रही है ना, दरअसल ये आड़ी तिरछी लकीरों की बनी हुई एक ऐसी पहेली है, समझ में आती नहीं। शमी कपूर के शुरू के संघर्ष, गीता बाली से प्यार होना, उनसे विवाह करना, गीता बाली का जल्दी से दुनिया से रुखसत हो जाना, और उसके बाद फिर शमी जी का नीला जी से विवाह होना, एक बेटा एक बेटी और पूरा जीवन जी करके। और जब गुलजार साहब ने उन्हें फिल्म इजाज़त में लिया तो कोई सोच नहीं सकता था कि ये वही शमी कपूर साहब हैं जो उछलते कूदते थे। क्या कमाल के कलाकार थे शमी कपूर साहेब, याद कर रहा हूँ मैं उन्हें। और जैसा मैंने कहा कि ज़िंदगी वैसे भी ये आड़ी तिरछी लकीरों की एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी पहेली है, समझ आती नहीं और ज़रूरत भी क्या है समझने की, जैसे आ रही है लिए जाओ बस, और क्या रखा है। ये एक अच्छा आइडिया। अब शमी कपूर साहब की तो जैसे कहते हैं ना कि किस्मत ने रंगत बदल ली एकदम से। चाइना टाउन एक ऐसी फिल्म है जिसमें शमी कपूर ने खुल के एक्टिंग की और उस एक्टिंग से लोगों ने समझ लिया कि यार ये बंदा किसी के हाथ आने वाला है नहीं, और इसकी अपनी ज़िंदगी अलग से है। क्योंकि जिस तरह डाली हो, अब डाली हो का मतलब क्या है, बार बार देखो हजार बार देखो ये देखने की चीज़ है हमारा दिन ला ला। अब डाली हो वो ऐसा करते थे क्योंकि उनके म्यूज़िक डायरेक्टर जो होते थे वो भी इस बात को समझ लेते थे कि यार इस इंसान के अंदर इतनी रिदम है, इतनी ताल है इसके अंदर, कि इसको तो जो करना है करने दो, डायरेक्टर को तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और शक्ति सामंत साहब के साथ में भी जो फिल्म उन्होंने की, शक्ति सामंत साहब यही कहा करते थे भाई मेडिकल किट वो बंदा अपने पास में ज़रूर रखता था शमी कपूर। और लेख टंडन जी के तो बहुत ही अच्छे दोस्त, कितनी कमाल की फिल्म उन लोगों ने मिलकर, और इसके अलावा अकेली फिल्म से नहीं दोस्तियाँ बड़ी गहरी थी उन लोगों के बीच में। मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि बहुत बरस पहले की बात है, मैं अपने मित्र कमलजीत के साथ बैठा हुआ था लोनावला में, आराम से बैठे, बारिश हो रही है, यही ज़माना था बारिशों का,
तो इतने में मैंने उनसे कहा, कंवर जी से, मैंने कहा यार ये प्राण साहब की किताब नहीं मिल रही कहीं पे, उनकी जो बायोग्राफी है। तो वहीं से कंवर जी ने प्राण साहब के बेटे सुनील को फ़ोन किया, तो सुनील ने कहा भाई कब आ रहे हो आप, मेरे पास किताब है मैं आपको दे देता हूँ। तो नतीजा ये निकला कि 4-5 घंटे में हम पहुँचे, सुनील उनके बेटे नीचे आए, कहने लगे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है इसलिए आप मिल नहीं पाएंगे, लेकिन ऑटोग्राफ किताब उन्होंने दे दी। अब हम थोड़ी दूर निकले, पीछे से लेक टंडन जी का फोन आया कमल जीत को, ओए कुकू किथे हैं? कुकू कहता भाई भी असी बॉम्बे पहुंचे। ओ ले यार मैं तेरे घर खड़ा लोना वाला च, और शमी कपूर मेरे नाल है। ओ हो, अगर सिर्फ 3-4 घंटे वहाँ रुक गए होते लोना वाला में तो शमी कपूर साहब से मुलाकात हो जाए। लेकिन जिंदगी में कुछ कुछ छुटना भी जरूरी है, सब कुछ आपने पा लिया तो बात क्या बनी। और इसीलिए दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। ये जो गीत है, गीतकार ऐसे लिखते थे, संगीतकार वैसे बनाते थे, रफी साहब का की कहना। मेरा ख्याल है कि अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके शमी कपूर साहब को इसी तरह से याद किए जाते हैं, भाई कमाल के कलाकार शमी साहब। वो बहारें वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें उन बहारों की याद आएगी, जब ख्यालों में मुझको पाओगे तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। शमी कपूर साहब गाते तो नहीं थे, लेकिन शमी कपूर साहब के लिए बिल्कुल उसी तरह से गाते थे मोहम्मद रफ़ी साहब। तो बात सही है, हसरत साहब ने सही कहा है कि भुला ना पाएंगे, ऐसे कलाकार को कौन भुला सकता है, कभी भी नहीं। कलाकार तो वही है ना जो मस्ती के मूड में दिखाई दे तो याहू कर दे, रोमांस के मूड में आए तो कहे तेरी जुल्फे परेशान तेरी नजरें पशेमा कहीं ये प्यार ही ना हो नसीबे दुश्मना। इस तरीके से इस गीत पे अदाकारी है, लेकिन जब वो उदास दिखाई देते हैं तो एक फिल्म है, उस फिल्म में शमी कपूर के ऊपर ये गाना पिक्चराइज है, वो गा नहीं रहे हैं उसको, वो कह रहे हैं जाने अनजाने लोग मिले मगर कोई मिला न अपना, क्या क्या हमने सोचा था रह गया बन के सपना। ऐसे ऐसे गीत भी वो कर लेते थे। हर किसी की ज़िंदगी में एक मौका ऐसा आता है जो उसका मौका होता है, जैसे कहते हैं वो लम्हा उसका है, और 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी एक ऐसी फिल्म थी, इस फिल्म के ज़रिए एक्टर शमी कपूर सामने दिखाई देते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड भी उनको मिलता है, और इस तरह से हम उस कलाकार को याद करते चले जाते। जंगली जानवर, बदतमीज, इस तरह की फिल्म्स करते करते अब शमी कपूर सोचने लगे थे कुछ ढंग का काम मिलना चाहिए यार, इतने बरस हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, कोई ढंग का काम मिलना चाहिए। तो ढंग के काम की जब बात आई तो 1968 में एक फिल्म उनको मिल गई, ब्रह्मचारी। अब ये जो ब्रह्मचारी नाम की फिल्म है, ये फिल्म एक अलग तरह की फिल्म है, और इसका किरदार उम्मीद तो नहीं थी कि इतने अच्छे ढंग से वो इंसान निभा सकेगा जिसने दिल तेरा दीवाना, दिल दे के देखो, तुमसा नहीं देखा जैसी एंटरटेनिंग फिल्म की है। लेकिन शमी कपूर ने भी कमाल कर दिखाया, और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला बेस्ट एक्टर का, और एक गीत ऐसा बना दिया शंकर जयकिशन और शैलेंद्र जी ने कि उस पर रफ़ी साहब को भी बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला। माना आज की रात है लंबी,
माना दिन था भारी, पर जग बदला बदलेगी, एक दिन तकदीर हमारी, उस दिन के ख्वाब सजाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। अब शमी कपूर समझ गए थे कि वक्त आ गया है, वो एक्टर के रूप में, हीरो के रूप में तो अब काम चलेगा नहीं, और फिर उसके बाद में एक फिल्म अंदाज भी उन्होंने की, लेकिन अब उसका जो दौर था फिल्म का और सिनेमा का वो भी बदलता जा रहा था, नए एक्टर्स बहुत सारे आ गए थे, फिर शमी कपूर कैरेक्टर आर्टिस्ट हो गए, और 1983 में उन्हें फिल्म विधाता के लिए सपोर्टिंग एक्टर का भी अवार्ड मिला। मन में ख्वाहिश तो हर एक्टर के रहती है कि एक फ़िल्म डायरेक्ट करनी है, एक फ़िल्म डायरेक्ट की उन्होंने मनोरंजन के नाम से, लेकिन कंसेप्ट लोगों की समझ में नहीं आया, इसलिए बस उसके बाद फिर वो आराम से बैठे। और इस तरह की जो फिल्म्स आती थी जो शमी कपूर साहब की, आज हम जब उनको देखते हैं तो वो इतनी एंटरटेनिंग फिल्म होती हैं, उसमें म्यूज़िक तो कमाल का होता ही है, और शमी कपूर साहब की पुण्यतिथि पे उन्हें याद करते हुए मैं यही सोचता हूँ, अपने ढंग के एक अलग ही कलाकार। देखिए, एक परिवार पूरे का पूरा मौजूद है, पृथ्वीराज कपूर साहब, उनके वालिद साहब राज कपूर, बड़े भाई छोटे भाई शशि कपूर, और इसके अलावा इतने सारे एक्टर बाद में पूरे कुनबे में भी आए, लेकिन शमी कपूर तो बहुत ही अलग थे। आज उस इंसान की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे मन में जब हम देखते हैं कि कितनी स्ट्रगल करने के बाद और बिना किसी किस्म की मदद के बगैर शमी कपूर साहब ने अपनी जगह फिल्म इंडस्ट्री में बनाई। हम याद करते हैं उनकी पुण्यतिथि पर। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ ना शमी साहब की, तो शमी साहब ने ऐसा नहीं कि रफ़ी साहब से पहले ही मिलना हो गया उनका, पहले तलत महमूद ने उनके लिए गाना गाया चल दिया कर, मुकेश साहब ने भी उनके लिए गाना गाया और सोचा था प्यार हम ना करेंगे, और हेमंत दा ने भी गाया ए दिल, सभी ने गाया उनके लिए, लेकिन जो रफ़ी साहब से उनकी मोहब्बत थी वो अलग ही थी। और एक गीत वो क्या करते थे, हर रिकॉर्डिंग में बैठा करते थे जाकर शमी कपूर, और रफ़ी साहब गा रहे हैं और जो कहना है जो चाहना है वो बता देते थे। एक गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी और ये बाहर गए हुए थे शमी कपूर, तो इतने में पीछे से रिकॉर्डिंग कर ली। अब जब लौट के आए शमी कपूर तो शक्ति सामंत साहब से कहने लगे, भाई ये क्या बात हुई, मैं तो यहाँ था नहीं, आपने गाने की रिकॉर्डिंग कैसे कर दी? और उन्होंने कहा आप सुनो तो सही रफ़ी साहब ने गाया कैसे है। और जब वो गाना गा के तैयार हुआ तो रफ़ी साहब गाने को देखा शमी, रफ़ी साहब किस तरीके तुम मेरे इन्हों सारे गलों समझ के क्या कमाल किया, आसमान से आया फरिश्ता। 1960 तक एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था, वो कॉम्बिनेशन एस मुखर्जी और नासिर हुसैन का था, दोनों मिलकर फिल्म बनाते थे, एक प्रोड्यूस कर रहे हैं और नासिर उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। 1960 आते हुए एक फिल्म बननी है मिस्टर जंगली, और उसमें देवानंद साहब ने काम करना है, लेकिन किसी वजह से नासिर हुसैन और एस मुखर्जी अलग हो गए और देवानंद साहब चले गए नासिर हुसैन के साथ, जब प्यार किसी से होता है, और मिस्टर हिटलर जो है उसका नाम बन गया जंगली। तो जंगली में अब गाना है याहू, अब याहू रफ़ी साहब कर सकते थे, लेकिन शंकर जयकिशन ने कहा कि कोई एक और आवाज़ देखो, तो आप हमेशा जब भी कभी इस गाने को सुने तो मान लीजिएगा ये आवाज़ प्रयागराज जी की है, जो शमी कपूर के बड़े याहू यानी फुल थ्रोटेड वॉइस है, और ऐसा भी नहीं कि याहू पहली बार है, इससे पहले भी 1957 की फिल्म जो थी तुमसा नहीं देखा, तो उस तुमसा नहीं देखा में भी याहू का इस्तेमाल किया था, यार दिल रुबा है इस तरह के गीत में। तो शमी कपूर इस तरह के मस्त मौला आदमी थे, ऐसे ऐसे गाने बनाते थे, देखते रहते थे, बहुत कुछ उनके बारे में कह लिया। और मेरा ख्याल है कि मुनासिब वक्त है, अब चलते हैं यहाँ से MTR और जाकर के वहाँ अपने वीडियो को पूरा करते हैं, मतलब पूरा करते से मतलब अब कुछ जाकर खा लेते हैं, और इस वीडियो के ज़रिए मैं शमी कपूर साहब को श्रद्धांजलि देता रहा उनकी पुण्यतिथि पे 14 अगस्त। '55-'56 के करीब राज कपूर साहब के लिए जो गीत गा रहे थे मन्ना दा, शमी उन्हें बड़े पसंद करते थे, तो उन्होंने 1959 की फिल्म में
मन्ना दा की भी आवाज़ को लिया, मन्ना डे साहब की। अब कहाँ जाएं हम, अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं। और आगे चल करके फिर मन्ना दा ने उनके लिए गाया, छम छम बाजरे पायलिया, पूरा क्लासिकल सॉन्ग था। और किशोर कुमार तो फिर आगे जा करके जाने अनजाने, इस पे लिपसिंक नहीं है शमी साहब की, हाँ गाना जो है पूरे का पूरा फोकस ये उसी पर है, शमी साहब पे है, और गा रहे थे किशोर। मगर कोई मिला ना अपना, ऐसे ऐसे कलाकारों के बाद सब अल्टीमेटली फिर पहुंच गए मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ। और ऐसे खूबसूरत, सबसे ज़्यादा गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने दरअसल शमी कपूर साहब के लिए गाया। इफ़ आई एम करेक्ट, आई थिंक इट्स अराउंड 199 सॉन्ग्स। ओ इनक्रेडिबल। दूसरे भजन ना हो, गोपाला मुंडी डालो एक दिवाला, तभी कुछ काम करने के लिए निकलो। अब मैं काम करके आया हूँ वापस, यानी शमी कपूर पे जो मुझे कहना था वो अलग अलग जगहों पर मैंने जाके कहा, और अब मैं उस वीडियो को पूरा करके इत्मीनान से आ गया हूँ मवाली टिफिन रूम्स। ये MTR जो है ये बहुत मशहूर है बंगलौर में, और ये इनका 100वां बरस है। और देखिए कितनी खूबसूरत प्रिपरेशन है, खूबसूरत से मतलब लजीज प्रिपरेशन है। तो शमी कपूर साहब के बारे में, यानी 14 अगस्त उनकी पुण्यतिथि है, उस पर हमने उन्हें खूब याद किया। और एक ऐसे कलाकार को याद किया जो खुद कहता था कि भाई जब हम फिल्म इंडस्ट्री में आए तो तीनों कमाल के लोग छाए हुए थे, ना उन्हें हमारी फिक्र थी और हमने कहा भी अपनी फिक्र खुद ही करो। ये शमी कपूर का कहना है। राज कपूर दिलीप कुमार के बारे में कोई कहीं किसी की मदद नहीं करता, कौन करता है, ऐसे भी क्यों बिजनेस है। तो शमी कपूर को मैंने बड़े प्यार से याद किया, उनकी पुण्यतिथि का मुझे बड़ी तसल्ली मिली। और तसल्ली से अब मैं खाना शुरू कर रहा हूँ। ये जो सुबह सुबह इसे कहते हैं मिनी टिफिन, ठीक है, शुरू कर, ठीक है, थैंक यू प्रकाश। जैसे संगीतकारों की जान उनके म्यूजिशियंस होते हैं, इसी तरह किसी भी रेस्टोरेंट की जान उनके वर्कर्स होते हैं, उनके हेल्पर्स होते हैं। और यहाँ ये जो हमारे सामने मौजूद हैं प्रकाश, ये 11 वर्ष से MTR के साथ में हैं, क्यों, क्या ख्याल है? और ऐसे ऐसे जो हेल्पर और वर्कर होते हैं उन्हीं के सहारे ये ऊँचाइयाँ हासिल करते हैं एस्टेब्लिशमेंट MTR मवाली टिफिन रूम्स। थैंक यू प्रकाश। '63 में रफ़ी साहब गा रहे थे शमी कपूर के लिए, जिंदगी क्या है गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया है। ऐसी सही बैठती थी रफ़ी साहब की आवाज़ शमी कपूर पे कि कोई भी गीत उनका हम सुन लें बस वो अनोखा अद्भुत होता ही था। समय बीतता गया और समझ गए थे शमी कपूर भी कि अब हीरो का चांस तो कम होता चला जाएगा। और जो आखिर की कुछ 2-3 फिल्म्स हैं उसमें फिर एक बार रफ़ी साहब की आवाज़ सुनाई देती है, मेरे गुनाह माफ कर मेरा ज़मीर साफ कर, मेरे यीशु मेरे खुदा ओ मेरे परमात्मा। पूरी मस्ती की ज़िंदगी में और मनोरंजन किया जनता का, खूब हंसे खिल खिलाए और वक्त बीतते बीतते बहुत संजीदा हो गए, गुरु धार लिया और वृंदावन जाने लगे अक्सर ही। आखिरी दिन बीमारी में बीते लेकिन बहुत ही खुशदिल इंसान थे शमी कपूर। तो पुण्यतिथि यानी दुनिया से जाने से पहले अपना तसव्वुफ उन्होंने पूरी तरह से अपने ऊपर ओढ़ लिया था, ये एक दोशाला
उनकी ज़िंदगी को बड़ा चैन और सुकून देता था। याद करता हूँ शमी साहब को, शमी कपूर साहब को, उनकी पुण्यतिथि में।